हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राम राम जी, जय बाबा जी। तो दोस्तों, अभी सुबह के बजने वाले हैं 7:30 और सूर्य देवता भी इतने ऊपर आ गए, ये देख लीजिए मेरे पीछे दिख रहे हैं आपको। तो आज हम पैदल यात्रा जा रहे हैं बाबा रामदेव जी के रणुजा दर्शन करने के लिए, और घर से लगभग सुबह 4 बजे रवाना हो गए थे और अभी पहुंचे हैं 10 किलोमीटर दूर रायकाँव की ढोणी। बाकी वाला संघ हमारा आगे चले गया है और कुछ आदमी आगे रुके हुए हैं। अब पूरा संघ यहां से बनेगा तो आपको दिखाऊंगा कि कितने लोग आए हमारे संघ में। तो चलिए मिलते हैं आगे ब्लॉग में, और हमारे साथ बने रहना और प्यार और सपोर्ट इसी तरह बनाए रखना। तो दोस्तों, लगभग 4 से 5 दिन लगेगा रामदेव जाने में, तब तक आप सभी बने रहना और अपना सपोर्ट और आशीर्वाद बनाए रखना। और आपका सपोर्ट तो लगभग कम ही होगा क्योंकि पैदल चलते हैं तो ज़्यादा तो टाइम भी नहीं मिलेगा मोबाइल चलाने में, और वीडियो भी हो सके तो आएगा या नहीं आएगा, लेकिन आज वाला एक वीडियो मैं ज़रूर डालूँगा और बाद में आपका फुल सपोर्ट करूँगा। लेकिन 3-4 दिन तो पैदल चलने के बाद इतने परेशान हो जाते हैं कि मोबाइल हाथ में लेने का मन भी नहीं करता है। चलिए मिलते हैं आगे ब्लॉग में और क्या होता है वो दिखाएंगे आपको। तो ये आगे बाड़मेर जालौर हाईवे, और आगे हमारी ट्रॉली बैठी है। तो दोस्तों, इसके बाद हमारा संघ हो गया एकटा, सब लोग इधर उधर से आ गए और अब पूरे संघ में लगभग 13 आदमी पैदल चलने वाले हैं, और एक ट्रैक्टर का ड्राइवर है और एक खाना बनाने वाला है। तो इसके बाद हम पहुंच गए करंटिया फाटा और यहाँ पर चाय नाश्ते के लिए बैठ गए, और यहाँ पर सभी बैठ के नाश्ता कर रहे हैं। और ये है गायत्री प्रोविजन स्टोर, किराने की दुकान, इस पर बैठ के ही हमने नाश्ता किया है, यहाँ से नमकीन वगैरह ली। और इसके बाद में बकरियों के दूध की चाय बनाने के लिए रुक गए, तो ये खेत वाली बहन है, ये दूध दूह के दे रही है, ये दुकान वालों की है बकरियां। और ये हमारे ठाकर भाई है जो इनकी बकरियां बाहर निकल गई, इनको वापस बाड़े में डलवा रहे हैं, और ये दूध से चाय पी के फिर रवाना हो गए हम आगे। तो कुछ लोग नाच रहे हैं डीजे के पीछे और आनंद ले रहे हैं। आवाज़ तो मैंने म्यूट कर रखी है क्योंकि डीजे वाली आवाज़ आती है तो कॉपीराइट आ जाता है, इसलिए सब आवाज़ बंद कर रखी। और इतने दिन मैं वीडियो भी नहीं डाल सका क्योंकि वीडियो एडिट करने में बहुत परेशानी हो रही थी, कहीं पर भी जाओ डीजे वाली आवाज़ कम होती ही नहीं। और ये दिन का लगभग 11 बजे का समय, और हम पहुँच गए सेवनियाड़ा, और यहाँ पर बैठ के हमने किया है नाश्ता, पुआ बनाए और सब लोग बैठ के कर रहे नाश्ता। ये है नगौणियों धतर वालों की ढाणी विद्यालय, यहाँ से चलते हुए लगभग 12 बजे का समय और निकल रहे आगे। सब लोग नाश नाश के आनंद ले रहे हैं। और इसके बाद में एक भक्तगण मिल गए, वो गा रहे गाना, आप तो काफ़ी प्रयास के बाद अब हम लगभग खाना वगैरह खा के आ गए और पहुंचने वाले बाईतू। ये बाईतू में लगा हुआ राष्ट्रीय ध्वज, और भक्त सभी नाच रहे आनंद लेते हुए। और यहाँ पर आगे कोई एक संघ रोका हुआ था और वो सब लोग गरबी रम रहे थे, क्योंकि हमारे इधर जालौर ज़िले में कानूड़ा गरबी बहुत प्रसिद्ध है। तो ये देखो, महिलाएं और पुरुष सभी मिलके गरबी खेल रहे हैं और आनंद ले रहे हैं डीजे पे। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको रामदेव यात्रा संबंधी अच्छा लगा है तो लाइक शेयर ज़रूर करना और कमेंट में जय राम सभी ज़रूर लिखना। तो ये है हमारे सिद्ध श्री खेमा बाबा का मंदिर बाईतू में, और यहाँ पर नए मंदिर का निर्माण तो अभी हो रहा है, ये देखिए
भव्य मंदिर मकराना मार्बल से बन रहा है, अभी तक पूरा बना नहीं है और बन रहा है। रिलाऊ बनाऊ और इसके साइड में अभी तक चलता है जो, ये देख लीजिए यहाँ पर है, यहाँ पर प्रसादी वगैरह यहाँ होती है क्योंकि नया मंदिर अभी बना नहीं है। जय श्री खेम सिद्ध बाबा, ये है उनकी मूर्ति और दर्शन कर लिए श्री खेमा बाबा के। तो दोस्तों ये वीडियो मेरा 22/8 का है और उसके बाद में मैंने एडिटिंग करने का समय नहीं मिला तो घर आके ही डाला एडिटिंग करके, क्योंकि रास्ते में तो बहुत सारी आवाज़ आ रही थी कहीं पर रुको, क्योंकि मेले में यात्री चलते ही रहते हैं तो वहाँ पर डीजे की आवाज़ बंद भी नहीं होती है, इसलिए वॉइस ओवर भी मैं नहीं कर सका और रास्ते में तो वॉइस डाल भी नहीं सकते, डाले तो वो क्या काम आएगी, डीजे तो बजते ही रहते हैं। तो ये था सिद्ध श्री खेमा बाबा का मंदिर और आगे भी यात्रा संबंधी मैं आपको वीडियो अगर बनाया तो दिखाता रहूँगा और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप सभी को राम राम, नमस्कार, खमागणी, जय श्री कृष्णा और जय श्री राम साबीर की जय हो। ये है मंदिर का नक्शा, इस प्रकार का मंदिर बन रहा है यहाँ पर। तो आप भी सिद्ध श्री लोक देवता खेमा बाबा के दर्शन कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। जय बाबा राम सा पीर की जय हो।